हेलो स्टूडेंट्स, 1.7 प्रॉब्लम देखो। फर्स्ट पार्ट में कहता है एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ लाइन विच इज अ कंटिन्यूअस कर्व। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कंटिन्यूअस कर्व होती है, हम सभी जानते हैं। कहता है दैट इज, अगर ऐसा है तो एक फील्ड क्यों नहीं सडनली ब्रेक करती, और नहीं तो क्यों नहीं, ठीक है, वाई कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स। सो अगर मैं यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड की बात करूँ, और बच्चों यहाँ पे किसी रेडियल आउटवर्ड फील्ड की बात करूँ, तो अज्यूम करके देखो, इस किसी पॉइंट पे एक चार्ज को रख लेते हैं। लेट से चार्ज पॉजिटिव पोलैरिटी का है, तो इस पे एक फोर्स रेडियली लगने लग जाएगा। बच्चों आप जानते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, और दोनों का डायरेक्शन सेम होता है जब ये प्लस होंगे। सिंपल है ये। तो यहाँ देखो, ये जो फोर्स है इस पर कंटिन्यूसली लगते जा रहा है बच्चों, तो कंटिन्यूस कर्व की वजह से एक चार्ज एक्सपीरियंस करता है वही कंटिन्यूस फोर्स। अगर इसे किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना होगा तो कंटिन्यूस फोर्स ही लेकर जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से उसका पाथ भी ट्रेस कर सकते हैं अपन। ऐसे किसी चार्ज को यहाँ पे रख लोगे तो वो भी आपको ट्रेस करता हुआ दिखाया जाएगा, ठीक है। और कहीं पे सडनली ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि चार्ज ए से बी कंटिन्यूस जाएगा। ये ऐसा नहीं कह सकते कि ये इससे जंप ओवर करके बी पर पहुंच गया। इट डज नॉट जंप, है ना, ऐसा कभी नहीं होने वाला। इसलिए अपन कहते हैं और समझते हैं कि जो कंटिन्यूस कर्व, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ लाइन ऑफ कंटिन्यूस कर्व, ये हमारा एक सिंपल लाइन का आंसर होगा, ठीक है। ब्रेक्स इसलिए नहीं होते बिकॉज फोर्स वहां पे कंटिन्यूस लग रहा होता है, और पाथ उसका अपन फील्ड से ही पता कर सकते हैं। चार्ज नेगेटिव कर दूंगा तो ये अंदर की तरफ आने लग जाएगा। अभी एक एग्जांपल समझ लो इसको। बी पार्ट देखते हैं बच्चों। एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉसेस ईच अदर। तो यहां पे इस तरह से समझ लो, दो फील्ड लाइंस चलो क्रॉस करती हैं एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस 1 और 2 क्या कर रही है बच्चों? क्रॉस कर रही हैं। तो 1 के हिसाब से इस पर जो भी टेंजेंट बनेगा वो इसी का फील्ड बनेगा, और इस पर कोई टेंजेंट बनेगा तो वो इसका फील्ड बनेगा बच्चों। ये इस तरह से क्रॉस कर रहे हैं देखो, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि किसी एक पॉइंट पर देयर कैन नॉट बी टू एग्जैक्ट डायरेक्शंस, अ फील्ड इंटेंसिटी विल शो टू डायरेक्शंस एट दैट पॉइंट, और ये पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। इसलिए अपन कहते हैं दो फील्ड लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। तो एट अ पॉइंट वी कैन नॉट हैव टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल। इसलिए अपने आप में क्रॉस नहीं करते हैं, तो नेवर क्रॉस ईच अदर, ओके?